टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं रवि तिवारी आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोगों ने जो 45 दिन का एक मिरेकल कोर्स शुरू किया है उसी की क्लास के रूप में आज फिर मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। कल की क्लास को देखें तो कल हम लोगों ने डाइस पर बात की थी और डाइस पर जब हम लोगों ने बात की थी तो कल हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन को पढ़ा था। प्रश्नों की प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो आपसे दो तीन तरह के प्रश्न पासे में लगातार पूछे जाते हैं, वो पासे के प्रसार से भी संबंधित हो सकते हैं, पड़ोसी और विपरीत सतहों से ही संबंधित हो सकते हैं और वन सरफेस कॉमन टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन से भी संबंधित हो सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जहां पर पासे के आपके प्रश्न नहीं पूछे गए हों, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जा रही हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई हो। पासा रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के रूप में आपके पेपर्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसी क्रम में कल की क्लास में हम लोगों ने काफी चर्चा की थी। 45 दिन का टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा जो क्रैश कोर्स लाया गया है उस क्रैश कोर्स के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन सभी अध्यापक आपसे रूबरू होते हैं और एक रूपरेखा बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आपके सिलेबस को पूर्ण किया जा सकता है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में एक वीडियो में तीन एपिसोड होते हैं या तीन विषय की कक्षाएं आपको संचालित होती है जो कि बारी बारी से जो है चीजें क्या हो रही है चल रही है और आगे बढ़ रही है। आइए इसी क्रम में आज हम लोग पासे के शेष भाग की बात करते हैं। अगर आज हम लोगों ने पासा पढ़ लिया तो लगभग आज में और हो सकता है एक क्लास कल और करनी पड़े और हम लोग वो पूरे पासे की जो है जितने भी सवाल आपके बनते हैं जितनी भी संभावनाएं बनती है हम उन सबसे क्लियर कर लेंगे। तो अगर प्रश्नों के रूप में देखें मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं तो पासे से क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले तो मैंने कहा था कि एक पासा तीन प्रकार का होता है, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। क्लियर। सबसे पहले प्रश्नों के आने की प्रवृत्ति आपकी यहां से होती है जैसे कि कल आपने बात किया था। इसमें से हम लोग वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन तो पढ़ चुके हैं, अब बारी है नो सरफेस कॉमन की, तो थोड़ा सा एक विषय हमें नो सरफेस कॉमन का भी यहां पे देखना है। और दूसरा इसके बाद जो आपका बनता है वो बनता है पासे का प्रसार, फिर आपका बनता है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स और फिर आपका बनता है पड़ोसी सतह और विपरीत सतह। अपेक्षाकृत जो कठिन प्रश्न आपके बनते हैं पासे से या जो आपके पीसीएस लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछते हैं वो इस भाग से बनते हैं। पासे के प्रसार को ही आप कहते हैं खुला पासा। क्या कहते हैं? खुला पासा भी इसको हम लोग कहते हैं। तो आज हमें नो सरफेस कॉमन भी देखना है और इन चीजों पर भी बात करनी है। इतना बात करने के बाद फिर हम तय कर सकते हैं कि पासे की कोई भी प्रॉपर्टी आपसे नहीं छूटेगी। हाँ, इस भाग को समझने के लिए जैसे आईएएस से लगातार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2016-2017 पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सहायक समीक्षाधिकारी लोहरबर पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए आवश्यक है कि हम नो सरफेस कॉमन को जरूर समझें, क्योंकि नो सरफेस कॉमन की इस प्रॉपर्टीज को समझने के बाद ही हम इन तीनों को आसानी से समझ सकते हैं और इस प्रसार की विषय वस्तु को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नो सरफेस कॉमन क्या है, कैसे हम नो सरफेस कॉमन को हल करते हैं। आइए तो नो सरफेस कॉमन पर बात करते हैं। तो आज का सबसे पहला विषय हम लोग लेते हैं नो सरफेस कॉमन, जिसको हम लोग कहते हैं कोई पासा समान नहीं। नो सरफेस कॉमन इसको हम लोग कहते हैं कोई सतह समान नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं? कोई सतह समान नहीं। देखिए नो सरफेस कॉमन थोड़ी सी अलग सी प्रॉपर्टी है ना, ये जो नो सरफेस कॉमन है वो थोड़ी सी अलग सी प्रॉपर्टी है जो सामान्य पासों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करता है अपने गुणों के आधार पर। जहां पर बाकी पासों को आप लॉजिकल आधार पर अलग करते हैं, रोटेशन के आधार पर अलग करते हैं, वही पूरे पासे में एकमात्र प्रॉपर्टी नो सरफेस कॉमन ही ऐसी है जिसको हम थ्योरी के आधार पर हल कर सकते हैं या जिसको हम थ्योरी के आधार पर अलग कर सकते हैं नो सरफेस कॉमन को। तो आइए देखते हैं कि नो सरफेस कॉमन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए अगर हम पासे की बात देखें नो सरफेस कॉमन की, यहां पे हम लोगों ने हेडिंग दी नो सरफेस कॉमन पासा, है ना, कोई सतह समान नहीं। तो जहां पर आप देखते हैं कि बाकी पासों पर आप कुछ भी लिख देते हैं, अल्फाबेट लिख देते हैं, रंगों के नाम लिख देते हैं, दिनों के नाम लिख देते हैं, यहां पर बाउंडेशन है।
नो सरफेस कॉमन पासे पर केवल आप एक से लेकर छह तक के अंकों को ही लिख सकते हैं, केवल एक से लेकर छह तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, अंकों को ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा सकता। तो अगर हम नो सरफेस कॉमन पासा पढ़े तो वहां पे एक से लेकर छह तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, और इन अंकों के आधार पर हम इस पासे को दो भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस या साधारण पासा। दो तरह के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, इसका मतलब जो अंक लिखे जा सकते हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं अंकों के आधार पर हम नो सरफेस कॉमन पासे को दो भागों में बांटते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो आप देखिए क्या है स्टैंडर्ड डाइस, तो यहां पर आप लोगों ने लिखा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मानक पासा, यहां पे हम इसको कहते हैं पहले भाग को नॉन क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को हम लोग कहते हैं मानक पासा। मानक पासा कैसे कोई पासा मानक होता है, इस विषय वस्तु की जानकारी हमें लेनी बड़ी जरूरी है, क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहां पर, हो सकता है ये सवाल पासे की एक आकृति के साथ पूछा जाए और हो सकता है ये सवाल पासे की दो आकृतियों के साथ पूछा जाए, जैसे दो अलग अलग सवालों के क्रम को हमने यहां पर देखा, ये सवाल पासे की दो आकृतियों के साथ पूछा गया और ये सवाल पासे की एक ही आकृति के साथ पूछा गया। यहां पर हमने लिखा एक से लेकर छह तक के अंक लिखने थे, तो मैंने लिखा 1, 4, 5, यहां पर लिखा 2, 3, 6। पहले तो आप देखिए अगर ये प्रश्न हमसे दो आकृतियों के साथ पूछा गया तो इस प्रश्न को आप देखें तो क्या इसमें कोई सतह कॉमन है, आप गौर से देखिए क्या इन दोनों आकृतियों में कोई सतह कॉमन है, आप कहेंगे सर नहीं है। जब एक सतह कॉमन होती थी तो आप इसको कहते थे वन सरफेस कॉमन, जब दो सतह कॉमन होती थी तो आप इसको कहते थे टू सरफेस कॉमन, और आज जब कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं बताइए, नो सरफेस कॉमन। क्या कहते हैं, नो सरफेस कॉमन। तो देखिए नो सरफेस कॉमन तो ये हो गया कोई सतह समान नहीं, लेकिन हम नो सरफेस कॉमन में ये स्टैंडर्ड कैसे हो गया इसको हमें देखना है। देखिए जो तीनों ही सतह आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उनको हम पड़ोसी सतह कहते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर समझ लीजिए जो तीनों ही सतह एक आकृति में होती है हम इनको क्या कहते हैं, पड़ोसी सतह। तो मानक पासे की जो पहली पहचान होती है वो ये होती है कि नहीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, दो की बात कर रहा हूं, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता, सात से कम भी हो सकता है और सात से ज्यादा भी हो सकता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा, सात से कम भी हो सकता है और सात से ज्यादा भी, जैसे 4 और 1, 5, 5 और 1, 6, 5 और 4, 9। जो विशेषता इस पासे की आकृति में होगी वही विशेषता इस पासे की आकृति में भी होगी, 3 और 2, 5, 6 और 2, 8, 6 और 3, 9, कहीं से 7 तो नहीं हो रहा है। तो मानक पासे की पहली पहचान क्या है बताओ, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट सरफेस। क्या कहते हैं, एडजेसेंट सरफेस, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं बना है यहां पर, हां, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेसेंट सरफेस, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं हो सकता। अगर पासा पहचानने के लिए आता है और आपसे पूछ लिया जाता है कैसा पासा है तो तुरंत आप कहेंगे मानक पासा है, क्योंकि यहां पर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता दोनों आकृतियों में। तो दूसरी पहचान इसकी यहां पर और क्लियर है, क्या दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है बताइए, सात होता है। तो अब यहां पर देखें आसान हो गया,
अगर पासा मानक है तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही विपरीत को तय कर सकते हैं। मैं कहूं एक का विपरीत तो आप कहेंगे अगर दो विपरीत सतहों का योग साथ होता है तो एक में हम कितना जोड़ दें कि साथ हो जाए, तो आप कहेंगे एक का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत क्या होगा बताओ 3। अगर हम इस आकृति से देखें तो 3 का विपरीत क्या होगा 4, 6 का विपरीत क्या होगा बताओ 1 और 2 का विपरीत क्या होगा बताओ 5 होगा। तो अगर सवाल दो आकृतियों के साथ पूछा गया है तो तुरंत हम पहचान लेंगे नो सरफेस कॉमन है, और नो सरफेस कॉमन में अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग साथ 3 नहीं, किन्हीं दो बार बार कह रहा हूं किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर साथ नहीं है तो पासा क्या है मानक है। तो दूसरी विशेषता क्या होती है, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है बताइए 7 होता है, ये निश्चित है। अब मान लीजिए सवाल अगर एक ही आकृति के साथ पूछा गया जैसे लिखा है 3 2 6, तो अगर पासा एक है तो 100% है कि वो नो सरफेस कॉमन ही होगा, क्योंकि कॉमन देखने के लिए तो दो चाहिए, तो एक है तो वो नो सरफेस कॉमन ही है। बस आपको ये देख लेना है कि नो सरफेस कॉमन में वो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, इसका मतलब कहीं भी पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं है तो पासा बताओ कैसा है, नौ स्टैंडर्ड है। तो बताओ अब 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, और 6 का विपरीत क्या होगा बताओ 1 होगा, और 1 से लेकर 6 तक की गिनती क्या हो गई पूरी। तो सबसे पहले नो सरफेस कॉमन पासे पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। इन अंकों के आधार पर हम इस पासे को दो भागों में बांटते हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, मानक पासा, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हो सकता, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है 7 होता है। सवाल एक आकृति के साथ भी आपसे पूछे जाते हैं और सवाल दो आकृतियों के साथ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर हुई बात। आइए अब मान लीजिए इसके दूसरे भाग पर चलते हैं, जैसे अब दूसरा भाग इसका यहां पर होता है क्या बताओ, जिसको हम कहते हैं नो सरफेस कॉमन ही है। चलिए अब इसको हम कहते हैं क्या बताओ, साधारण पासा। क्या कहते हैं, साधारण पासा, इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब कैसे कोई पासा साधारण होता है इसकी बात हमें यहां पर देखनी है, फिर दो भागों में बांटते हैं, फिर वही प्रक्रिया, हो सकता है सवाल एक आकृति के साथ भी पूछा जाए और हो सकता है सवाल दो आकृतियों के साथ भी आपसे पूछा जाए। तो पहले तो पहचान की बात है कि हमें पहचानना है कि स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, और दूसरा फिर ये है कि क्या इसकी पहचान होती है कि कोई पासा नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 6 5, लिखा 2 4 3। अब आप गौर से देख रहे हैं कोई भी सतह समान नहीं है तो नो सरफेस कॉमन तो ये हो गया। अब नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है आपको देखना है। तो देखिए स्टैंडर्ड की पहचान क्या थी कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होता। अब यहां पे गौर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6 और 1 7 और 4 और 3 7, इन दोनों में ही पड़ोसी सतहों का योग क्या हो रहा है बताइए 7 हो रहा है। तो नॉन स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो नॉन स्टैंडर्ड की पहचान क्या है, यहां पर किन्हीं दो, सबका नहीं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वहां पर नहीं होता है और यहां पर क्या होता है बताइए होता है, क्लियर है। और अब विपरीत अगर निकालने हो तो यहां पर बहुत सहूलियत बरतिएगा, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज में कोई अकेली सतह कभी भी किसी सतह की विपरीत नहीं होती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। फिर देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज में अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होती। जैसे मैं कहूं एक का विपरीत क्या होगा, हमारे पास कोई भी ऐसी निश्चित विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि हम इसके विपरीत को निश्चित कर सकें। तो यहां पर अगर पूछा गया कि एक का विपरीत क्या होगा, तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती में जो 3 सतह आपको इस पासे में नहीं दिखाई दे रही होगी वही क्या होगी बताओ विपरीत होगी। तो यहां पर लिखा 1 का विपरीत, तो आपको लिखना पड़ेगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा।
क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई पासा नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है, क्या बताओ, कि जहां पर एक सतह किसी सतह की विपरीत हो, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। सवाल यहां पर अक्सर गलत, अगर मैं पांच का विपरीत पूछूं तो क्या कहेंगे, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो चार। अगर मैं छह का विपरीत पूछूं तो या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो चार। अगर मैं तीन का विपरीत पूछूं तो बताओ अब क्या होगा, या तो एक, या तो पांच, या तो छह। चार का विपरीत एक पांच छह, दो का विपरीत एक पांच छह। इसका मतलब है वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इस पासे को ले लें यहां पर, जैसे मान लीजिए इस पासे को अगर हमने ले लिया और एक ही पासा दिया गया, यहां पर मैंने लिखा बताओ पांच दो चार। अगर पहचानने के लिए आ गया कि पासा कैसा है तो सबसे पहले क्या पहचानेंगे बताइए, पांच और दो कितना हो गया बताओ, सात हो गया। पांच और दो कितना हो गया बताओ, सात हो गया। इसका मतलब पहचानने के लिए पासा आ गया तो पासा कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। कैसा, नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो का विपरीत क्या है तो बताओ एक से लेके छह तक, एक से लेके छह तक के अंकों में कौन सी तीन सतह आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको कहना पड़ेगा क्या बताओ, या तो एक होगा, या तो तीन होगा, या तो छह होगा। अगर पूछा जाए चार का विपरीत तो कहना पड़ेगा या तो एक होगा, या तो तीन होगा, या तो छह। पांच का विपरीत एक तीन छह। लोअर पीसीएस के पिछले दोनों ही प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए जो यूपी कमीशन ने लिए हैं, दोनों में ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस से प्रश्न पूछा गया है, पासे की पहचान करने के लिए पूछा गया है, पूछा गया है आपसे, सीधे सीधे प्रश्न है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अब जैसे मान लीजिए तो यहां पर विपरीत वाले कॉन्सेप्ट को लिखे तो वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अब यहां पर अगर पूरे को हम एक बार रिव्यू करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नो सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं। मानक पासा कितने भागों के, उसके क्या भाग होते हैं, दो मानक पासा, साधारण पासा। क्लियर, क्या पहचान होती है मानक और साधारण की, हाँ, मानक पासा दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, सात होता है। और हाँ, दो और साधारण पासे की क्या पहचान है, हाँ, दो पड़ोसी सतहों का योग हमेशा कितना, किन्हीं दो, किन्हीं सबका नहीं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, सात होता है, और वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब देखिए, कभी कभी आप गलत कैसे करते हैं, जैसे एमपी पीसीएस में आपसे एक सवाल पूछा गया, मध्य प्रदेश पीसीएस में, वहां पर एक आकृति बना दी गई, इस पर लिखा था एक चार छ, और आपसे पूछा गया था, यहां पर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, आपसे पूछा गया था कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, ऊपर दी गई आकृति का ऑप्शंस दिए गए, मैं दो ऑप्शन देता हूं सी डी। मैंने लिखा एक का विपरीत, तो मैंने लिखा यहां पर दो पांच तीन, और फिर मैंने यहां पर लिखा ज्ञात या निश्चित नहीं कर सकते, ज्ञात या निश्चित नहीं कर सकते। यहां पे फिर मैंने चार ऑप्शन लिए ए बी सी डी, यहां पे मैंने फिर लिखा, मैंने लिखा यहां पर दो पांच तीन, और फिर मैंने लिखा या तो दो, या तो पांच, या तो तीन। अगर मैं कहूं कि इस प्रश्न के साथ ये विकल्प है, तो प्रश्न पत्र में हमारी जो मनोदशा होती है, वो मनोदशा हमारी क्या होती है, यार एक से लेके छह तक की गिनती में तीन अंक तो दिखाई दे रहे हैं, अगर एक का विपरीत पूछा है तो निश्चित जान लीजिए कि कोई ना कोई अंक एक के विपरीत जरूर होगा, तो हम कहते हैं अपने गुणा भाग से या तो दो होगा, या तो पांच होगा, या तो तीन होगा।
कैसे निश्चित नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप अपने तथाकथित ज्ञान के आधार पर किसी न किसी एक को उत्तर कर देते हैं, जबकि बेसिक क्या कहता है, 6 और 1 7। अब ये नो सरफेस कॉमन में कैसा पासा हो गया बताओ, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत हो ही नहीं सकती। अगर आपसे कहा जाए तो इसका उत्तर अकेला हो ही नहीं सकता, हम क्या कहेंगे, हम निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? अगर मान लीजिए पासे के साथ ये अंक दिए गए हैं यहां पे ए बी सी डी, तो आप कहेंगे अब आप डी को लगाएंगे, क्योंकि अकेली सतह नॉन स्टैंडर्डाइज में किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 3, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है। क्या सर्टेनिटी है, निश्चितता क्या है, कि 2, 3, 5 में से एक होगा, और पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी निश्चित ऐसे तौर तरीके नहीं है कि हम नॉन स्टैंडर्डाइज में किसी सतह के विपरीत को देख सकते। लोअर पीसीएस के लिए चलाए जा रहे क्रैश कोर्स में लगातार हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं, 45 दिन के क्रैश कोर्स के कुछ भाग आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं, आप आनंद लीजिए, अप्रिशिएट करिए, कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। अब आइए इसके उन प्रश्नों पर चलते हैं जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं नो सरफेस कॉमन से। पहले इसकी बात को कंप्लीट करते हैं, फिर प्रसार पर भी चलते हैं, और इसके बाद पड़ोसी सतहों और विपरीत सतहों के खेल को भी समझते हैं। कल से आप ऐसा पासा ना सीख जाएंगे कि आप जब पासा फेंकेंगे तो कोई सवाल आपका रुकेगा नहीं, चिंता मत करिएगा। आइए यहां पर देखते हैं, फेंका जाए पासा। आइए जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है, कल हम लोगों ने कुछ सवाल हल किए थे इसके, आज भी कुछ सवाल, जैसे यहां पर लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले देख लीजिए कैसा पासा है, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 7, एक आकृति दी गई है तो कंफर्म है नो सरफेस कॉमन है। अब नो सरफेस कॉमन में भी क्या है बताओ, स्टैंडर्ड है, क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अब एक का विपरीत क्या होगा, तो एक में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 6, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7, तो बिना देखे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर 6 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 6। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, बस देखिए और उत्तर कर दीजिए, 6 हो जाएगा। आइए अगला, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है और इस पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, पहले चेक कर लीजिए, पहचान लीजिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि कहीं से 7 नहीं हो रहा है, और स्टैंडर्ड की पहचान क्या है, आसान, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, और 2 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। फिर लिखा है, हाँ अब गौर से देखिए, अब 3 के विपरीत पूछा है ना, और यहां पर अब मामला गड़बड़ है, क्योंकि 4 और 3 क्या हो गया बताओ, 7, और जैसे ये 7 हुआ तो ये पासा क्या हो गया बताओ, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उत्तर क्या होगा बताओ, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो देखिए 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, अब गौर से देखिए यहां पर, अब देखिए 3 विकल्प दिए गए, यही एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 4 और 3 कितना हो गया, 7, अब ना तो 1 हो सकता है, ना तो 2, ना तो 6, या इनमें से क्या होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज में कभी भी कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होती। क्लियर हुई बात, आइए अब यहां से तो सवाल आपने कल किए ही थे वन सरफेस कॉमन, अब उन सवालों पर चलते हैं जो इसके बाद आपको सीखने हैं, जो बड़े सवाल होते हैं, हां उन सवालों को एक बार आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ी सी बात करने की आवश्यकता है। आइए ये सब सवाल आप लोग लगा लेंगे, कल मैंने आपको वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन सब कुछ बताया था, तो यहां पर आपको दिक्कत,
ये 15 प्रश्न तो आपके हो गए। अब हमारा जो यहां से अगला टॉपिक बनता है जिसके बेसिक के लिए जरूरी है, उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं, बताइए क्या? अब हम लोग कहते हैं पासे का प्रसार, या इसको हम कहते हैं खुला पासा, खुला पासा। फिर हम लोग कहते हैं पड़ोसी सतह और विपरीत सतह, विपरीत सतह और रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ये चारों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो वन नो सरफेस कॉमन जो आपने पढ़ा इसके बेसिक्स पर है। एक क्लास और अगर हम लोग कर लेंगे तो ये हमारा पासा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो डेली कुछ नए लोग जुड़ते हैं, आज की क्लास में मैं इससे ज्यादा बात अब आपसे नहीं करूंगा। मेरे बाद जिस विषय विशेषज्ञ की क्लास होगी वो आपकी बात करेगा। आप धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे चीजों को पढ़ते चले। आज जो है आज हम लोग इतनी बात करेंगे, शेष बात अब हम लोग कम करेंगे, कल करेंगे। क्लियर? टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और सर्व करने के लिए। आलोक सर के निर्देशन में हम लोग शानदार कार्य कर रहे हैं पूरी रिसर्च के साथ। फिर वही बात, भूल जाइए पिछले 45 दिन आपने क्या किया, याद रखिए अगले 45 दिन में आप क्या कर सकते हैं। आपका एक दृढ़ संकल्प जो है आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है। मेहनत करते रहिए, टीम का जो है उत्साहवर्धन करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग अपना बेस्ट देने के लिए रोज आपके पास आ रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरे बाद जिस विषय विशेषज्ञ की क्लास होगी आप उसका इंतजार करें, तुरंत क्लास प्रारंभ होने वाली है आज की।